खबर इस बीच आपको बता दें, पंजाब में कांग्रेस की गुटबाजी से जुड़ी यह बड़ी खबर है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बहुत बड़ा खुलासा, कहा सीएम बनाने के लिए मुझे 42 वोट मिले थे। बड़ी खबर आपको बता रही है, सिद्धू को 6 और चन्नी को सिर्फ 2 वोट मिले थे। जाखड़ ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, 2 वोट वाला सीएम बना, 42 वाला रह गया। मुझे राहुल गांधी ने डिप्टी सीएम का ऑफर भी दिया लेकिन मैंने मना कर दिया। बहुत मंत्री तुरे फिरते हैं, कोई इस गल का थोनू इस गल का गिला नहीं भी आप किथे होंदे कि नहीं होंदे। परमात्मा जो करता है बड़ा सही करता है। एक इस गल का मैं कोई गिला नहीं साहब भी मैनू 40 नहीं 42 MLA ने वोटा पाइया सीधिया दरअसल जेडे मैं थोड़ा फैक्ट दस दिया। 42 वोटा सुनील नूं पईआं, 16 वोटा सुखजिंदर रंधावे नूं पईआं, 12 वोटा पईआं महाराणी परनीत कौर नूं, 6 वोटा पईआं नवजोत सिंह सिद्धू, 2 वोटा पईआ चन्नी। देखो देखो मेरा एक ही गिला सीगा जो मैं बुला के उन्हें राहुल गांधी उन्होंने कहा सुनील तेन डिप्टी चीफ बनाने बनता क्यों नहीं। मैं कहनी मैंने तो इस गल का ही मान है भी तुम आ मेरा इतने नाम आया मैं 42 MLA ने ना कुछ होंगे भी उदो मैं PCC प्रेजिडेंट उसके बावजूद उन्होंने 42 MLA ने भी कोई किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा उत्थे भी तुमने वोट किसको।